तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। बिहार पुलिस ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन में 21,000 से ज्यादा नौकरियां निकाली हैं। ये नौकरियां कांस्टेबल की नौकरियां हैं। इन नौकरियों को कैसे अप्लाई करना है आज की वीडियो में बताऊंगा। क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कौन कौन से एग्जामिनेशन कंडक्ट होने, कब नोटिफिकेशन आया, कब इसकी लिंक ओपन होनी है, ये सारी चीजें आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक आपकी सपोर्ट चाहिए। लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को चेकआउट भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे इंटरफेस पे नजर आ रहा होगा, बिहार पुलिस कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म ये निकल चुके हैं। अभी मैं मोटी मोटी चीजें आपको समझाऊंगा, उसके बाद इसको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर लेकर चलूंगा। अब देखिए, ये 21,391 वैकेंसी निकली हुई है बिहार पुलिस सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से, CSBC की तरफ से ये नोटिफिकेशन आया है। और इस नोटिफिकेशन का जो नंबर है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2023। जनरल के लिए जो फीस रहेगी इसमें, जनरल OBC EBC कैंडिडेट्स के लिए 675 रुपये रहेगी और SC ST फीमेल कैंडिडेट के लिए 180 रुपये रहेगी। पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हैं। इसका स्टार्टिंग डेट जो अप्लाई करने की भी है वो 20/6/2023 से आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट जो रहेगी 20/7/2023, मतलब एक महीना इसमें आपको मिलेगा अप्लाई करने के लिए। मिनिमम एज जो चाहिए इसमें 18 साल चाहिए, मैक्सिमम एज 25 साल चाहिए। एज रिलैक्सेशन जो सेंट्रल बोर्ड और स्टेट बोर्ड की गवर्नमेंट की तरफ से जो मिलता है वो मिलेगा इसके अंदर भी, एज रिलैक्सेशन। फॉर मोर एज लिमिटेड डिटेल नोटिफिकेशन में हम चलेंगे तो वहाँ पे ज़्यादा इसमें डिटेल में दे रखा है। कैंडिडेट शुड पॉजिज 12th क्लास, आपका अगर 12वां है, 12th आपने किया है तो इन वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, मेल के अंदर जो हाइट चाहिए वो 165 सेंटीमीटर चाहिए। EBC SC ST अगर आप कैटेगरी से फॉल करते हैं, बिलोंग करते हैं, तो 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फीमेल ऑल कैटेगरी 155 सेंटीमीटर अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो। मेल जनरल BC EBC 81 से, चेस्ट का जो साइज होना चाहिए 81-86 सेंटीमीटर होना चाहिए। ऐसे ही SC ST का 79-84 सेंटीमीटर होना चाहिए, CMS होना चाहिए। रनिंग मेल की जो चाहिए वो 1.6 किलोमीटर 6 मिनट के अंदर 1.6 किलोमीटर आप कवर कर लें। फीमेल के लिए 1 किलोमीटर 5 मिनट के अंदर। कांस्टेबल की वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी 21,391 वैकेंसी है। ये सारी चीज़ें ही उसमें नोटिफिकेशन में भी मेंशन है, बट मैं नोटिफिकेशन आपको दिखा देता हूँ। और नोटिफिकेशन पढ़ना बहुत आसान है क्योंकि इसमें सब हिंदी में नोटिफिकेशन है ये पूरा। और ये नोटिफिकेशन आपको नज़र भी आ रहा होगा, ये देखिए, ये जो नोटिफिकेशन है केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती। और इस नोटिफिकेशन का जो विज्ञापन संख्या है 01/2023 है। अब देखिए, इसमें जो सैलरी रहेगी, वेतनमान 21,700 से लेके 69,100 का जो पे स्केल है उसके अकॉर्डिंग इसमें सैलरी आपकी रहेगी। अब देखिए, इसमें नीचे हम चलेंगे तो इस पर काफ़ी सारी डिटेल्स हैं। अगर मैं सारी डिटेल आपको बताने लगा नोटिफिकेशन बहुत लंबा हो जाएगा। ये नोटिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। अब इसमें जो है आपका एग्जामिनेशन कैसे कंडक्ट होना है, कौन कौन से सब्जेक्ट में से क्वेश्चंस आने हैं, वो सारी चीज़ें इस नोटिफिकेशन में दे रखी हैं। मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको अप्लाई कैसे करना है इन वैकेंसीज को। तो सिंपल सा, जब आप नीचे चलेंगे नोटिफिकेशन के तो इसमें एक हेडलाइन दे रखी है अप्लाई करने के लिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें देखिए बाकी सारी चीज़ें हैं, वो आप पढ़ लीजिएगा, अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा जिस कैटेगरी से आप। देखिए इसमें आप जो कैटेगरीज वाइज डिफाइन कर रखा है वैकेंसीज, किस कैटेगरी में कितनी। सामान्य वर्ग में 8,556 वैकेंसी हैं। आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं 2140 वैकेंसी हैं। अनुसूचित जाति की 3400 वैकेंसी हैं। अनुसूचित जनजाति की 228 वैकेंसी हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग की 3842 वैकेंसी हैं। पिछड़ा वर्ग की 2570 वैकेंसी हैं। पिछड़े वर्गों के की महिला की 655 वैकेंसी हैं। अब देखिए, आरक्षण भी इसमें दे रखा है, महिलाओं के लिए क्या क्या प्रावधान है वो भी सारी चीज़ें इसके अंदर दे रखी है नोटिफिकेशन के अंदर। मैं आपको सिंपल से डायरेक्टली बता देता हूँ इसको अप्लाई कैसे करना है। देखिए, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी हेडलाइन इसमें दे रखी है, वो आप पढ़ लीजिएगा। अब इसमें जो है 20/6/2023 से इसका ऑनलाइन लिंक ओपन होगा। और जो ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। www.csbc.bis.nic.in पर जाकर बिहार पुलिस का टैब ओपन करके और उसके अंदर जो है आपको फर्दर जो डिटेल है वो फिल करनी है। बट ये 20/6/2023 से ओपन होगा।
www.csbc.bis.nic.in पर जाकर आप इन वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए पूरी इसमें स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें दे रखी हैं। बिहार पुलिस के टैब या एडवर्टाइजमेंट बाय ग्रुप में जाकर एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2023 पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन मतलब पंजीकरण करना पड़ेगा अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से। उसके बाद फर्दर जो इसमें डिटेल मांगी जाए वो फिल कर दीजिएगा। बाकी आप नोटिफिकेशन पढ़ के ही अप्लाई कीजिएगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच करके अप्लाई कीजिएगा। कोई सवाल हो आपका तो कमेंट बॉक्स में अपना छोड़ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूंगा। तो होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही बने रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।